बात की थी हेटरोक्राइन की, वो क्या थी? ओविज। ओविज में मेनली दो पार्ट है, वन इज द एंडोक्राइन एंड सेकेंड इज द एग्जोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा है? फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल, इसका मेन काम क्या होता है? हार्मोन को रिलीज करवाना। इसलिए ये जो पार्ट है फोलिकुलर सेल वाला, ये क्या है? एंडोक्राइन। और जो सेकंड जो पार्ट है, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? एग इज टेकन, मींस की कोई भी एग है उसको टेकन करने का काम, या फिर एग को लेने का काम, वो किसका काम होता है? फ्लोपियन ट्यूब का। एग इज टेकन बाय फ्लोपियन ट्यूब। इसलिए यहां पे जो फ्लोपियन ट्यूब है किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए एग्जोक्राइन। क्लियर? तो एक टर्म होती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी करना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और जो उसका सीक्रेशन है मींस की हार्मोन, उसका एक्शन के बारे में भी स्टडी करना। ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। मींस की स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द एक्शन ऑफ द हार्मोन आर नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि जो हार्मोन है वो एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है बाय द ग्लैंड्स, और कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नाम कहां से आया हार्मोन का? हम क्यों इसको हार्मोन ही बोलते हैं? इतने आप सोचो, जल्दी से सोच के बताओ कि हम हार्मोन को हार्मोन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो चलो करें स्टार्ट हार्मोन के बारे में। सबसे पहले जो हार्मोन है वो क्या है? केमिकल है, और रिलीज कहां से हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड से। केमिकल एंड रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन है वो एक्ट करता है एज ए केमिकल मैसेंजर, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर हम क्यों बोल के जा रहे हैं कि जो हार्मोन है वो वर्क कर रहा है? बिकॉज जो हार्मोन है वो क्या करेगा? हेल्प करता है इन द कम्युनिकेशन एंड द कोऑर्डिनेशन। हार्मोन हेल्प करता है मेनली इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बट जो इसका नेचर है वो कैसे होता है? केमिकल। इसलिए हम इसको क्या बोलते जा रहे हैं? केमिकल मैसेंजर। ओके, बट आर ऑफ केमिकल नेचर। जो हार्मोन होता है वो कोई ना कोई टारगेट सेल उसको क्या करेगा? स्टिम्युलेट। लेकिन स्पेसिफिक टाइप की क्या होनी चाहिए वहां पे? टारगेट सेल। जैसे कि ये कोई भी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसने रिलीज करवाया इस हार्मोन को, इसकी केमिकल। अब जो ये हार्मोन है इसका काम क्या होता है? कोई भी टारगेट सेल है उसको स्टिम्युलेट करवाने का। जैसे कि ये इसकी क्या है? टारगेट सेल इंट, और एक सेल ये फर्स्ट टाइप, सेकेंड सेल ये है। तो ये हार्मोन कौन सी सेल को यहां पे स्टिम्युलेट करवाएगा? किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिसेप्टर के ऊपर। हर सेल के ऊपर क्या होता है? रिसेप्टर। और आपको पता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन से। तो कैसे होता है इनका नेचर? प्रोटीनियस। दिस इज द रिसेप्टर।
स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के ऊपर। तो यदि यहाँ पे जो हॉर्मोन है वो इस रिसेप्टर के लिए है तो इसी रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसी टारगेट सेल को क्या करवाएगा, स्टिम्युलेट। मीन्स कि यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो क्या है, हॉर्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, वो क्या शो करेगा, हॉर्मोनल सॉरी हॉर्मोन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक टाइप का हॉर्मोन स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और स्पेसिफिक टाइप की जो टारगेट सेल है उसको क्या करवाएगा, स्टिम्युलेट। ओके, तो यहाँ पे जो हॉर्मोन है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हॉर्मोन है हम उसको हॉर्मोन क्यों बोलते हैं और हॉर्मोन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी और कौन सा हॉर्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। क्लियर, तो उससे पहले हम एक और चीज बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कुछ एंडोक्राइन सेल करती है, एंडोक्राइन सेल, और ये सेल क्या करती है, लोकल हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गैस्ट्रिक, लोकल हार्मोन को सीक्रेट करवाया, जैसे कि एग्जांपल गैस्ट्रिक, और ये जो गैस्ट्रिक है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है इन द टारगेट ऑर्गन के पास और क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। एंडोक्राइन सेल है, काम क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ लोकल हार्मोन। एग्जांपल इज गैस्ट्रिक, डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है स्टमक के पास और वहां पे अपना क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि हॉर्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, कहां से ये नाम आया। जो फर्स्ट हॉर्मोन डिस्कवर किया गया था वो था सीक्रेटिन बाय द टू साइंटिस्ट, वन इज द बेलिस एंड सेकंड इज द स्टर्लिंग। दो साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया, सबसे पहले जो हॉर्मोन था सीक्रेटिन नाम का, उस हॉर्मोन की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट हॉर्मोन डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, सीक्रेटिन, बाई टू साइंटिस्ट, वन इज द बेलिस एंड सेकेंड इज स्टर्लिंग। ठीक है, ये तो बात हो गई डिस्कवरी की, लेकिन जो ये नेम है ये कहां से आया, हॉर्मोन ही हमने इसका नाम क्यों रखा। तो देखो जो इसका जो टर्म है हॉर्मोन, सबसे पहले किसने दी थी, इसी साइंटिस्ट ने दी थी, स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने ही इसका नेम दिया था। गिवन बाय स्टर्लिंग इन क्लियर। तो जो हॉर्मोन है ये कहां से आया, इसका नेम ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, और वो जो ग्रीक वर्ड था वो क्या था, हॉर्मोन, हॉर्मोन। हॉर्मोन मीन्स क्या होता है, टू एक्साइट। अब चलो ये तो पता चल गया कि एक ग्रीक वर्ड से आया, उस ग्रीक वर्ड का क्या नेम था, हॉर्मोन। हॉर्मोन तो मीन्स ही क्या होता है, एक्साइट। लेकिन हम हॉर्मोन को हॉर्मोन क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलते हम हॉर्मोन, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी जो हॉर्मोन है वो सारे के सारे हॉर्मोन एक्साइट नहीं करते, मीन्स की स्टिम्युलेट नहीं करते। कुछ हॉर्मोन ऐसे भी है जो इनहिबिटरी होते हैं या फिर किसी भी ग्लैंड को इनहिबिट करवाते जाते हैं कि अब आपको सीक्रेशन नहीं करवाना। तो यदि कोई भी हॉर्मोन है उसके मेनली दो नेचर होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटरी, सेकंड इज द इनहिबिटरी। इनहिबिटरी नेचर की वजह से ही हमने हॉर्मोन को रिप्लेस करवाया हॉर्मोन के नेम से। ठीक है, तो इसको हमने रिप्लेस करवाया बाय हॉर्मोन नाम, हॉर्मोन नेम, बिकॉज ऑफ इनहिबिटरी नेचर ऑफ हॉर्मोन्स।
एंड फर्स्ट आइसोलेटेड हॉर्मोन जो हमने आइसोलेट करवाया हॉर्मोन वो कौन सा है? इंसुलिन. फर्स्ट आइसोलेटेड हॉर्मोन इज इंसुलिन. एंड जो ये आइसोलेट करवाया ये भी मेरे दो साइंटिस्ट के हेल्प ने करवाया था. वन इज द बैंटिंग एंड सेकंड इज द मैक्लियोड बाय बैंटिंग एंड मैक्लियोड. कहां से आइसोलेट करवाया? पैंक्रियाज ऑफ द डॉग से. फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ डॉग. क्लियर. दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल कंट्रोल एंड द इंटीग्रेशन या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का ये क्या है इंट्रोडक्शन. अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ द हॉर्मोन्स और उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी कि कैसे हमने उसको क्लासिफाइड किया है, उसका कैसा केमिकल नेचर होता है. तो उन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.